आज हम लोगों ने सिंगल फेस एसी सर्किट में एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया हुआ है। आइए वह देखते हैं न्यूमेरिकल किस प्रकार से है। तो टू सर्किट्स द इम्पीडेंस ऑफ विच आर गिवन बाय जेड वन इज इक्वल टू 10 + j15 एंड जेड टू इज इक्वल टू 6 - 8j आर कनेक्टेड इन पैरेलल If the total current supplied is 15 ampere, what are the power taken by each branch and find also the power factor of individual circuit and power factor of combination and also draw vector diagram. सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि इम्पीडेंस को देखकर कैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की पहचान कर सकें। मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आर प्लस या माइनस जे एक्स। अगर हम लोगों को आर और एक्स के साथ क्या होगा, प्लस साइन दिया होगा, तो उसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम लोगों को आर और एक्स के बीच में क्या साइन दिया गया है, माइनस साइन दिया गया है, तो वह किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जेड वन और जेड टू की वैल्यू देखते हैं। तो हम लोगों को जेड वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 + j15। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो यह वाला एलिमेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और यह वाला एलिमेंट क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। अब जेड टू में देखते हैं तो जेड टू का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, 6 - j8 दिया हुआ है, तो यह वाला एलिमेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस और यह वाला एलिमेंट क्या होगा, कैपेसिटेंस। क्योंकि माइनस साइन के साथ जब भी इम्पीडेंस को लिखा जाता है तो रेजिस्टेंस और क्या होता है, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले जेड वन को बना लेते हैं। तो जेड वन में क्या क्या एलिमेंट है, एक एलिमेंट रेजिस्टेंस है और दूसरा एलिमेंट क्या है, इंडक्टेंस है, तो उसको ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड जेड टू को ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस है और दूसरा एलिमेंट क्या है, कैपेसिटेंस है। तो यह दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हैं। तो यह ऊपर वाला जो पाथ है जेड वन का, नीचे वाला पाथ जो है वो जेड टू का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 + j15 और जेड टू में क्या लिख सकते हैं, जेड टू का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, 6 - j8 दिया हुआ है। और इन दोनों से कितना करंट फ्लो होके जा रहा है, इन दोनों से जो करंट फ्लो होके जा रहा है उसका वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जेड वन और जेड टू का वैल्यू रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी हुई है, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। हम लोगों को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कैल्सी को कौन से मोड में ले जाना होगा, तो मोड को हम लोगों को ले जाना होगा कॉम्प्लेक्स में। तो मोड बटन का प्रेस किया और सेकंड नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो सेकंड नंबर को प्रेस कर लेंगे। अब सबसे पहले जेड वन की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। तो हम लोग कितना लिख लेते हैं, 10 + 15j। तो यहाँ पर हमको जे को हमेशा बाद में लिखना होगा, जैसे 15j लिखा है या 15i लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, शिफ्ट 2 और 3। तो ये हम लोगों को कितना वैल्यू मिल जाएगा, जेड वन का वैल्यू कितना मिल गया, 18.02 और एंगल कितना है,
56.30। तो हम लोगों ने यहाँ पर Z1 को वैल्यू कैलकुलेट कर लिया पोलर फॉर्म में। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, Z2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6 - 8J। जे नहीं होता है कैल्सी में, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है, I लिखा जाता है। फिर इक्वल शिफ्ट करके 2 और 3, तो हम लोगों को इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, Z2 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, Z2 का वैल्यू कितना है 10 और एंगल में -53.13। अब हम लोगों ने क्या किया है, Z1 और Z2 के वैल्यू को पोलर फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Z1 और Z2 आपस में कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, टोटल इम्पीडेंस निकालना होगा। तो टोटल इम्पीडेंस, तो यहाँ पर Z1 और Z2 कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो उनका फार्मूला क्या लगा सकते हैं, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, Z1 × Z2 अपॉन में क्या हो जाएगा, Z1 + Z2। अब हम लोग चाहें तो Z1 या Z2 का वैल्यू इसको भी रख सकते हैं या इसको भी रख सकते हैं। तो कोई भी एक वैल्यू रख कर हम लोग टोटल इम्पीडेंस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आइए उनका वैल्यू देखते हैं और पुट करते हैं। तो देखते हैं टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू किस प्रकार से मिलेगा। तो ZT = हम लोग लिख सकते हैं 18.02 और एंगल में कितना हो जाएगा 56.30। फिर दूसरा Z2 का वैल्यू 10 एट एन एंगल -53.13 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यह दोनों इम्पीडेंस प्लस में हो जाएंगे। तो 18.02 एट एन एंगल 56.30 फिर प्लस 10 एट एन एंगल -53.13। अब क्या करते हैं, इनको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं और टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू देख लेते हैं। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले डिवाइड का बटन प्रेस कर लेंगे और वैल्यू को लिख लेते हैं 18.02 और एंगल 56.30 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट 10 एट एन एंगल -53.13। अब डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं दोनों को प्लस में करके, तो 18.02 शिफ्ट करके एंगल 56.30 प्लस 10 शिफ्ट करके एंगल -53.13। अब क्या करेंगे, जेड का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा। तो हम लोगों को जेड का वैल्यू कितना मिल जाएगा, नहीं अब इतना आ गया है, तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो शिफ्ट 2 और 3, तो इसका आंसर आ गया 10.32 और एंगल -20.43°, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि Z1 और Z2 के हेल्प से टोटल Z कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वोल्टेज का वैल्यू किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो V = कितना हो जाएगा, I × ZT। तो I का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर, और ZT का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए हैं, 10.32 और एंगल कितना है, -20.43°। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यह दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 154.81 और एंगल कितना होगा, -20.34 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं Z1 से कितना करंट जा रहा है, I1, और Z2 से कितना करंट होके जा रहा है, I2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फैक्टर कॉमन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज कॉमन होता है। तो वोल्टेज का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट कर लिया, 154.81। अब इसके हेल्प से हम लोग I1 और I2 का कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं वह किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। तो हम लोगों को V का वैल्यू कितना मिला, 154.81 एट एन एंगल ऑफ -20.34 डिग्री। अब क्या करेंगे, I1 का कैलकुलेशन करेंगे। तो I1 का कैलकुलेशन क्या होगा, V अपॉन Z1, और I2 का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, V अपॉन Z2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। तब उसको यूज़ किया गया। अब V का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 154.81 और एंगल -20.34 डिग्री अपॉन Z1। Z1 का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 10+15J, और V का वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154.81 एंगल -20.34 डिग्री, और यहाँ पर Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6-8J। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं I1 और I2 का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग I1 का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड वाला बटन प्रेस करेंगे, तो वैल्यू लिख लेते हैं 154.81, शिफ्ट करके एंगल -20.34, और नीचे में कितना लिख लेते हैं, 10+15I। तो हम लोगों को I1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, शिफ्ट करके 2 और 3, तो I1 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 8.57, और एंगल कितना है, -76.64, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो हम लोगों ने सबसे पहले I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसी प्रकार I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 के वैल्यू के लिए डिवाइड वाला बटन प्रेस कर लिया, 154.81 शिफ्ट करके एंगल कितना हो जाएगा, -20.34, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 6-8J। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी वैल्यू को पुट कर लिया। अब आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, शिफ्ट करके 2, 3, तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 15.34 का वैल्यू 15.48 और एट एन एंगल 32.79। तो हम लोगों ने I1 और I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आगे क्या करते हैं, पावर टेकन बाई ईच ब्रांच कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग पावर का फार्मूला क्या लगा सकते हैं, I²R, या तो हम लोग पावर का फार्मूला क्या लगा सकते हैं, VI cos φ लगा सकते हैं। तो आइए दोनों तरीके से देखते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले सर्किट का पावर कैलकुलेशन करूँगा। तो उसको क्या लिख लेते हैं, P1। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, I1 का स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ पर मैं
कितना वैल्यू पुट कर लूँगा, आई वन का ध्यान से देखेंगे कितना वैल्यू लूँगा, 8.57 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और आर वन कौन सा होगा, जो जेड वन के जो रियल पार्ट है वह वैल्यू क्या होता है, आर के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। इस तरीके में हम लोगों को क्या करना होगा, V का वैल्यू हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा, 154.81, और I के जगह हम लोगों को किसको लेना पड़ेगा, I1। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.57। कॉस का कॉस रहेगा। अब फाई के जगह क्या पुट कर सकते हैं, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल। तो वोल्टेज का एंगल कितना है, माइनस 20.34 डिग्री। फिर हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, तो करंट के एंगल में पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 76.64। अब इन दोनों तरीके से पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पावर का वैल्यू क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो चाहे हम लोग यह वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो पावर का वैल्यू होगा, पावर का वैल्यू मिलेगा 735 वाट। जब कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों पावर के कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट के कारण, जैसे 0.81 है या 0.57 है, उसके कारण पावर के कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो चाहे हम लोग यह वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, पावर टेकन बाय सेकंड ब्रांच कैलकुलेट करते हैं, जो कि सेम इसी प्रकार कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर इंटू R2। तो I2 का वैल्यू हम लोगों को कितना पता है, 15.48 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और Z2 का जो रियल पार्ट है वह रेजिस्टेंस होगा, तो 6। अब इसी प्रकार दूसरे फार्मूले में पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा VIE2 cos φ। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, V के जगह कितना हो जाएगा, 154.81, और I के जगह कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू लेंगे तो 15.48 हो जाएगा। और एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो cos वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज का एंगल कितना है, माइनस 20.34, और करंट का एंगल देखेंगे तो कितना है, 32.79। तो माइनस 32.79। तो पावर का वैल्यू मिलेगा, दोनों के केस में थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली पावर का वैल्यू मिलेगा 1423 वाट। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो पावर टेकन बाय ईच ब्रांच को कैलकुलेट किया, अब लास्ट में हम लोग पावर फैक्टर और फेजर डायग्राम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग पावर फैक्टर भी दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, तो पावर फैक्टर किसका, पहले सर्किट का निकालेंगे। तो हम लोग क्या क्या फार्मूला लगा सकते हैं, पावर फैक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, कॉस फाई से लिखते हैं। तो यहाँ पर दो फार्मूला लगा सकते हैं, R1/Z1 या कॉस के साथ जो Z1 का एंगल को भी ले सकते हैं। तो चाहे हम लोग यह फार्मूला भी लगा सकते हैं या दूसरा फार्मूला। उसी प्रकार दूसरे सर्किट के पावर फैक्टर का क्या फार्मूला लगा सकते हैं, तो कॉस फाई जेड टू। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, चाहे तो हम लोग R2/Z2 कर सकते हैं, या कॉस के साथ हम लोगों को क्या लेना होगा, Z2 के एंगल को लेना होगा।
तो हम लोग इन दो तरीकों से पावर फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो पावर फैक्टर ऑफ जेड वन इज इक्वल टू होगा कॉस, और इसके साथ पहले के साथ एंगल कितना आया हुआ है 56.30। और उसी प्रकार पावर फैक्टर ऑफ जेड टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस, और दूसरे वाले जेड के साथ कितना एंगल आया है -53.13। तो इनका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.55 और इसका वैल्यू मिलेगा 0.6। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशन का हम लोगों को पावर फैक्टर कैलकुलेशन करना है, तो कॉम्बिनेशन का इम्पीडेंस भी देखना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन का पावर फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं पावर फैक्टर ऑफ जेड टी, तो कॉस -20.43। तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 0.93। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि सभी का पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अभी तक हम लोगों ने सभी ब्रांच के पावर फैक्टर का कैलकुलेशन किया, तो सभी के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वह समझा। अब लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो जो क्वांटिटी लगेंगे सबसे पहले उसको एक जगह लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो किसका वैल्यू लिख लिए, आई का वैल्यू लिख लिए, आई वन का वैल्यू लिख लिए, आई टू का वैल्यू लिख लिए और वी का वैल्यू लिख लिए। तो इन सभी क्वांटिटी में एक ऐसा क्वांटिटी है किसमें क्या है, कोई एंगल नहीं है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस में, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आई वन और आई टू के वैल्यू को, तो आई वन का वैल्यू क्या है 8.57 और आई टू का वैल्यू क्या है 15.48। आई वन का एंगल क्या है माइनस में, तो एक्स एक्सिस के नीचे की ओर बनेगा, और आई टू का वैल्यू क्या है प्लस में, तो एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर बनेगा। और किसका वैल्यू बड़ा है, आई टू का वैल्यू बड़ा है, तो उसका जो लाइन होगा वो पहले आई वन के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं किसको बना लेता हूँ, आई टू को। तो यह जो वैल्यू हो गया कितना हो गया आई टू का, और यह वाला एंगल कितना हो जाएगा 32.79। अब मैं किसको ड्रॉ कर लूँगा, आई वन को ड्रॉ कर लूँगा, जो कि आई टू के कंपेरिजन में क्या है छोटा है, तो उसके लिए थोड़ा छोटा लाइन ड्रॉ करना होगा, और यह एंगल कितना हो जाएगा 76.64। अब हम लोग लास्ट में वी की वैल्यू को ड्रॉ करेंगे, और इसका एंगल क्या है माइनस में, तो नीचे की ओर बनेगा, और इसका क्वांटिटी क्या है बड़ा है, तो इसके लाइन को हम लोग को ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करना होगा, और यह वैल्यू क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, और यह जो एंगल हो जाएगा 20.34 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा क्वांटिटी सेम होता है, पावर फैक्टर का कैलकुलेशन किया, पावर टेकन बाई ईच ब्रांच कैलकुलेट किया, और वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया। तो अगर आपको यह वीडियो या बताने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।